फिल्मों पर राजनीति का असली फायदा भोपाल के दर्शकों को हुआ। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के पहले दिन ही राजनीतिक दलों ने टॉकेज के बाहर खड़े होकर मुफ्त में टिकट बांटे। दीपिका की फिल्म के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुफ्त में टिकट बांटे, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता तन्हाजी की फिल्म के टिकट फ्री में बांटते नजर आए। दीपिका पादुकोण के जेएनयू में आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में खड़े होने के बाद उनकी फिल्म छपाक बेहद चर्चा में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को प्रदेश में टैक्स फ्री किया था और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कलाकारों को विचारधाराओं के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। फिल्म की रिलीज के पहले दिन दीपिका की फिल्म के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुफ्त में टिकट बांटे। देखिए, जिस तरीके से जेएनयू में एक पीड़ित छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थन में दीपिका पादुकोण जी जेएनयू पहुंचती, उसके बाद में पूरे देश भर में भाजपा उनका और छपाक मूवी का विरोध करते बहिष्कार करते, मैं भाजपा के अपने साथियों से कहना चाहता हूं, बहिष्कार करना ही है तो एसिड अटैक करने वालों का बहिष्कार समाज से होना चाहिए। इस विषय पे बनी हुई पिक्चर जिसमें एसिड अटैक की पीड़िता के जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को दिखाया गया है, उसका विरोध करना मैं समझता हूं जायज नहीं है। आज देश भर में युवा और छात्र दीपिका पादुकोण के समर्थन में खड़े हुए हैं, छपाक मूवी देखना चाहते हैं, तो भोपाल एनएसयूआई ने यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त टिकट की व्यवस्था की थी। जिन भी विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाया है, हमने उनको टिकट वितरित किए। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अजय देवगन की फिल्म तानाजी को भी टैक्स फ्री करने की मांग सरकार से की। विधायक शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे इस फिल्म को टैक्स फ्री करवाने के लिए कमलनाथ को पत्र लिखे। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने के विवाद थम ही नहीं रहा है। भाजपा के निशाने पर आई दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज हुई है, जिसे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। इसके जवाब में अब भाजपा कार्यकर्ता अजय देवगन की तानाजी फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता जहां एक तरफ छपाक फिल्म के टिकट मुफ्त बांटते हुए दिखाई दिए, वहीं भाजपा कार्यकर्ता तानाजी फिल्म के फ्री टिकट बांट रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो लोग देश को तोड़ने वाले के साथ खड़े हैं और फिल्म का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम जनता से अपील कर रहे हैं कि उनकी फिल्म ना देखें। भाजपा कार्यकर्ताओं के मुताबिक तानाजी फिल्म देशभक्ति को बढ़ावा देती है और ऐसे में हम प्रदेश के लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं और टिकट बांट रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि छपाक फिल्म भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री देश के गद्दारों के साथ खड़ी हुई है और यही वजह है कि उनका विरोध किया जा रहा है। मैं तो भारत के लोगों से अपील करूंगा कि वो तानाजी फिल्म देखें और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर बाल ठाकरे की ही शिवसेना है और आप उन्हीं के बेटे हैं तो कमलनाथ को पत्र लिखकर कहे कि अगर आपने छपाक को टैक्स फ्री किया है तो तानाजी को भी टैक्स फ्री करो। इसमें बेटा बेटियों का चरित्र सुधरेगा, छत्रपति शिवाजी का शौर्य ऐश्वर्य जग जाहिर होगा और दुनिया में जीजाबाई के योगदान को बताया जा सकता है और हिंदी भी स्वराज का यशगान गाया जा सकता है। अन्यथा शिवसेना भी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के शिकार हो गई और वो भी कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन गई। हम आग्रह करेंगे लोगों से कि तानाजी देखने जाइए, छत्रपति शिवाजी के शौर्य की यशगाथा गाइए, जीजाबाई का ऋण चुकाइए, भारत के हिंदवी स्वराज को सलाम करिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।